नमस्कार, मैं अमन और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। यूपी में ओबीसी की एंट्री, मायावती की हुंकार और अखिलेश यादव की बयानबाजियों के बीच अब बीजेपी भी मैदान में उतर चुकी है। नए क्लेवर और नए तेवर के साथ बीजेपी सियासी रण में कूदने को तैयार है। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने प्रभारियों के नाम का ऐलान कर दिया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को यूपी का चुनाव प्रभारी बनाया गया, तो वहीं अनुराग ठाकुर, सरोज पांडे और अर्जुन राम मेघवाल यूपी में बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी होंगे। वहीं उत्तराखंड में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को चुनाव प्रभारी बनाया गया। सह प्रभारी के रूप में लोकसभा सांसद लॉकेट चटर्जी और राष्ट्रीय प्रवक्ता सरदार आरपी सिंह होंगे। तो बताते हैं क्या है इसके सियासी मायने और क्या प्लानिंग है बीजेपी की। सारी रणनीतियों को बारीकी से खोलेंगे। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की अगुवाई में 8 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया। धर्मेंद्र प्रधान को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के प्रभारी नियुक्त किया गया है और उनके साथ ही 7 सह प्रभारी बनाए गए हैं। इसके जरिए कहीं ना कहीं बीजेपी नेता जातीय और सियासी समीकरण साधने की कवायद की है। पहले बात करें धर्मेंद्र प्रधान की, तो ओबीसी समुदाय से आने वाले धर्मेंद्र प्रधान को यूपी चुनाव की कमान सौंपी गई है। उनका साथ देंगे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, अर्जुन राम मेघवाल, सरोज पांडे, शोभा कंदरलाजे, कैप्टन अभिमन्यु, अनुपूर्णा देवी और विवेक ठाकुर। बीजेपी ने यूपी चुनाव की टीम गठन में सूबे के जातीय समीकरण का पूरा खेल रखा है। सूबे में सबसे बड़ी आबादी ओबीसी समुदाय की है, जो सियासत में हड़कंप लाने के लिए काफी मात्रा में है और इसको साधने के लिए ही धर्मेंद्र प्रधान को यूपी चुनाव का प्रभारी बनाया गया है। 2014 के लोकसभा चुनाव से ही बीजेपी का साथ निभा है। यूपी में सर्वाधिक आबादी वाले पिछड़ा और अन्य पिछड़ा वर्ग इस बार भी बीजेपी के खेमे में रहेंगे या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने ही छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड राज्य में प्रभारी रहते हुए ओबीसी के बड़े तबके को पार्टी से जोड़ने का काम किया था और इस बार भी बीजेपी की प्लानिंग कुछ ऐसी ही है। बीजेपी ने अपना पत्ता फेंक दिया है और ये सियासी चाल समाजवादी पार्टी और बसपा के लिए काफी महंगी पड़ने वाली है। सत्रह में बीजेपी की जीत के लिए ओबीसी की अहम भूमिका मानी जाती रही और अब 2022 में भी पार्टी ओबीसी को साथ लेकर चलेगी और इसका जिम्मा प्रधान के कंधों पर होगा। बता दें कि धर्मेंद्र प्रधान 2017 में भी उत्तराखंड में जेपी नड्डा के साथ चुनाव की कमान संभाल चुके हैं, ऐसे में उनका अनुभव इस बार भी काम आएगा। बीजेपी की सत्ता में वापसी के पीछे उनकी रणनीति को अहम माना गया था। प्रधान की रणनीति के कारण ही छत्तीसगढ़ और झारखंड में बीजेपी को चुनाव में जीत दिलाने में अहम भूमिका निभा चुके हैं और अब यूपी चुनाव में भी बीजेपी ने प्रधान पर भरोसा जताया है। ये तो थी प्रधान की जिम्मेदारी। अगर बात करें दूसरे प्रभारियों की, तो बीजेपी ने यहाँ भी जातीय आधार अपना खेल शुरू कर दिया है। यूपी में जहाँ बीएसपी ब्राह्मणों को रिझाने में लगी है, तो वहीं सूबे में ब्राह्मण की नाराजगी को दूर करने की जिम्मेदारी अब सरोज पांडे के कंधों पर होगा। आइए सरोज पांडे के बारे में आपको बताते हैं कि कैसे ये यूपी चुनाव में बड़ा फेरबदल करने का दामन रखते हैं। सरोज पांडे बीजेपी की फायर ब्रांड नेता मानी जाती हैं। अगर काम की बात करें तो ये काफी लंबे समय से बीजेपी में संगठन का काम संभाल रही हैं। इसलिए अनुभव भी पूरा है और ब्राह्मण होने के कारण बीजेपी को फायदा भी मिलेगा, क्योंकि ब्राह्मण वोटों पर इस बार नजर सपा की भी है और बसपा की भी है। दोनों ही दल बीजेपी को ब्राह्मण विरोधी बता रही हैं। ऐसे में बीजेपी ने सरोज पांडे को मैदान में उतार कर समुदाय को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। हालांकि मोदी सरकार ने पिछले दिनों अपने कैबिनेट में भी ब्राह्मण चेहरे के तौर पर
यूपी से अजय मिश्रा को मंत्री बनाकर शामिल किया। ऐसे में सपा और बसपा के लिए मुसीबतें बढ़ने वाली है। वही भूमिहारों को साधने का काम बिहार के दिग्गज नेता सीपी ठाकुर के बेटे राज्यसभा सदस्य विवेक ठाकुर के कंधों पर होगा। हालांकि सूबे में भूमिहार 2% ही है, लेकिन वाराणसी, गाजीपुर, मऊ, बलिया, आजमगढ़ और जौनपुर में अच्छी खासी संख्या है। ये पूर्वांचल का इलाका बिहार से सटा हुआ है। ऐसे में विवेक ठाकुर यूपी के भूमिहारों के बीच बीजेपी के लिए एक ब्रिज का काम करेंगे। भूमिहारों को यूपी में फिलहाल बीजेपी का परंपरागत वोटर माना जाता रहा, लेकिन वर्तमान में भूमिहारों का कोई बड़ा नेता नहीं है। मनोज सिन्हा हुआ करते थे, पर फिलहाल वो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हो गए हैं, यानी वो अब सक्रिय राजनीति में नहीं है। ऐसे में पूर्व अधिकारी AK शर्मा को यूपी के दंगल में उतारा गया, लेकिन योगी ने उन्हें अपने कैबिनेट में अभी तक जगह नहीं दी। इसके बाद माना जा रहा है कि बीजेपी विवेक ठाकुर के जरिए भूमिहारों को एक बड़ा संदेश देने का काम कर रही है। ये तो बात थी ब्राह्मणों की और भूमिहारों की, पर इस बार किसान आंदोलन के कारण पश्चिम यूपी में बीजेपी की समीकरण बिगड़ता नजर आ रहा है। 2013 मुजफ्फरनगर दंगे के बाद जहां जाट समुदाय बीजेपी का कमल खिलाने में लग गया था, वो अब किसान आंदोलन के कारण उसी कमल को उखाड़ता नजर आ रहा है। ऐसे में बीजेपी ने जाट समुदाय को बीजेपी के साथ साध कर रखने के लिए हरियाणा के पूर्व मंत्री और जाट समाज से आने वाले कैप्टन अभिमन्यु को यूपी चुनाव का सह प्रभारी नियुक्त किया है। वहीं यादवों को साधने की जिम्मेदारी इन पर होगी। यादव समुदाय को लेकर अखिलेश यादव YM के फैक्टर पर भरोसा करते हैं, और यादवों का वोट बैंक भी अखिलेश के लिए काफी फायदेमंद साबित होता दिखाई दिया है। पर इस बार बीजेपी इसमें भी सेंध लगाने में जुट चुकी है, और ये काम करेंगी अन्नपूर्णा देवी, जिन्हें यूपी चुनाव में सह प्रभारी नियुक्त किया है। यूपी में करीब 10% यादव वोटर हैं, जो सपा का मजबूत वोट बैंक माना जाता है। बीजेपी ने पिछले चुनाव में भले ही गैर यादव OBC को टारगेट किया हो, लेकिन इस बार उनकी नजर अति पिछड़े वोटरों के साथ यादव वोटरों पर भी है। बीजेपी जानती है कि 22% दलित मतदाता किसी भी पार्टी का सियासी खेल बनाने और बिगाड़ने का दम रखता है। वजह है कि नरेंद्र मोदी के केंद्र की सत्ता में आने के बाद से गैर जाटव दलितों के बीच बीजेपी ने मजबूत पकड़ बनाई। ऐसे में बीजेपी दलितों के बीच अपना सियासी आधार और भी मजबूत करने के लिए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के भरोसे है। उन्हें सह प्रभारी का जिम्मा सौंपा गया है, जो खुद भी राजस्थान के दलित समाज से आते हैं। राजस्थान की सीमा पश्चिम यूपी के ब्रज क्षेत्र से लगी हुई है, जहाँ दलित समाज बड़ी संख्या में है। बीजेपी ने सबका ख्याल रखा है, और बीजेपी का नारा भी है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इसी पर चलते हुए राजपूत समुदाय को साधने की बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को यूपी का सह प्रभारी बनाया है। अनुराग ठाकुर युवा हैं और उनकी छवि भी साफ सुथरी है। ऐसे में उनके होने से बीजेपी को बड़ा फायदा मिल सकता है। इसके अलावा कर्नाटक से आने वाले शोभा कंदरलाजे को भी यूपी चुनाव में सह प्रभारी नियुक्त किया गया। जो RSS से राजनीति में आई है, वो हार्डकोर हिंदुत्व की राजनीति करती रही हैं और शोभा सियासत की धार को चमकाना का मादा भी रखती हैं। तो ये थी यूपी में बीजेपी की पूरी प्लानिंग और सियासी समीकरण, जो इस बार विपक्ष के हर सियासी चाल को काट सकती है। अब आपकी क्या राय इस पूरी खबर को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें VK न्यूज़।